Hi friends, Namaskar. This is Shukanta and welcome back to my YouTube channel Holidays Unlimited, your complete travel solution. So friends, कैसे हैं आप लोग? Friends, as you know, due to this pandemic COVID-19, we the maximum people at our home only, and today I want to spend my entire day with my pet cockatiel birds, and I want to share my good times with my pet cockatiel birds in this video, along with some important information about these pet cockatiel birds. So friends, let's start the video and please don't skip the video and watch till the end of this video. दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इस पेट कॉकटेल बर्ड्स का बाबा जी का धाबा में, जहाँ पे मैंने मेनली डिस्कस करूंगा इस पेट कॉकटेल बर्ड्स का फेवरेट फूड्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट कॉकटेल बर्ड्स अलोंग विद देयर अप्रोक्सीमेट प्राइस, व्हिच इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आई एम श्योर आज का ये वीडियो बहुत 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 ही मज़ेदार होगा। Friends, if you are new or if you are first time in my YouTube channel, then I will request you please subscribe my YouTube channel and please hit the bell icon so that you can get the notifications of my each and every new YouTube video uploads. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड माय डे विथ माय पेट कॉकटेल बर्ड्स। You know, cockatiel birds are small birds originally from Australia, and they are the second most common pet birds throughout the world.
दोस्तों, ये कॉकटेल बर्ड्स बेसिकली फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एंड इजी ब्रीडिंग। दिस बर्ड हैज ए स्लेंडर बॉडी व्हिच इज स्मॉल इन साइज बट हैज ए लॉन्ग पॉइंटेड टेल। दोस्तों, ये पेट कॉकटेल बर्ड्स का एवरेज उम्र 15 से 25 साल तक होता है, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक कॉकटेल बर्ड 36 साल तक जिंदा थे। दोस्तों, इस विषय में मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इस पेट कॉकटेल बर्ड्स का एवरेज उम्र डिपेंड करता है उसका खाने के ऊपर, उसका आसपास का रहने का महल के ऊपर और उसका उड़ने की स्पेस के ऊपर। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को लेके चलेंगे इस पेट कॉकटेल का बाबा जी का ढाबा में, जहाँ पे मेनली मैंने डिस्कस करूँगा इस पेट कॉकटेल का फेवरेट फूड्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इस पेट कॉकटेल बर्ड्स खाने में प्रेफर करते हैं ग्रास सीड्स, बॉयल्ड व्हीट, कुसुम सीड्स, छोले, कैटल फिश बोन, रॉक सॉल्ट, बॉइल्ड राइस विथ कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन्स एंड ऑफ कोर्स फ्रेश वाटर। दोस्तों, इस पेट कॉकटेल बर्ड्स की जो केज है वो बिल्कुल स्पेशियस होना चाहिए। एज यू नो, दिस कॉकटेल बर्ड्स आर ऑलवेज फ्लाई डायगोनली। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि द आइडियल साइज ऑफ दिस पेट कॉकटेल बर्ड्स केज इज लेंथ मिनिमम 4 feet, वेथ मिनिमम 3 feet एंड हाइट मिनिमम 6 feet। फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल है तो आप कुछ पेड़ पौधा का पॉट भी इस पेट कॉकटेल्स का केज में आप रख सकते हैं, जिसमें समर का टाइम में इस पंछियों को थोड़ा आराम मिलेगा।
तो अभी आप लोगों को मैं एक आइडिया शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट कॉकटेल बार्स एलॉन्ग विद देयर अप्रोक्सीमेट प्राइस एंड दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। Friends, do you know how do you recognize the male and the female cockatiel birds? दोस्तों, male cockatiel birds का face bright yellow color का होता है with dark orange patches on their cheeks. And female cockatiels का face pale washout yellow color का होता है and there is light orange patches on their cheeks.
Friends, here please note that few female cockatiel birds may have all grey and brown faces with no yellow markings. Friends, here one interesting thing is that male cockatiel birds are much more vocal than female cockatiel birds, who can whistle, chirp and call. Friends, here an interesting thing is that female cockatiel birds are a bit quiet, less friendly and are more prone to hissing and biting. Dosto, another important thing is that these cockatiel birds generally breed at the age of 18 months and their eggs take about 18 to 20 days before they start hatching, and around 10 days of age the chicks' eyes will open and they will start to develop their feather down. Friends, one interesting thing is that these pet cockatiel birds prefer motka or wooden box for their breeding, and here please note that the inner space of these motka or wooden boxes must be 12 inches clear so that they can move easily inside that motka or wooden box. I believe you really enjoy my entire presentation of my day with my pet cockatiel birds. If you like my video, please give likes, please share my video and please give your valued comments, which really motivate me to explore more and more destinations in coming days. Till then, stay with me, stay with us. Thank you.